देखिए, फिर से सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया है, रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है एंड आपको ओनली इंटरव्यू का बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एक बहुत बढ़िया पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन है ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ओके। तो इससे आपको रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा एंड ओनली इंटरव्यू का बेसिस पे एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, होके आपको सिलेक्शन होगा। तो ये सब डिटेल्स, बहुत पोस्ट है, सिविल इंजीनियर के लिए भी बहुत सारा वैकेंसी है, ये सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल है, केमिकल है, आर्किटेक्चर है, केमिस्ट्री है, R&D डिपार्टमेंट में मैकेनिकल है। देखिए, सिविल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें आपको इंजीनियर के लिए वन एंड डेप्यूटी मैनेजर के लिए वन एंड कंस्ट्रक्शन सिविल, जिसका कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्सपीरियंस है मिनिमम 4 इयर्स, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सिविल डेप्यूटी मैनेजर के लिए 11 पोस्ट है एंड मैनेजर के लिए 5 पोस्ट है। देन कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल, देन कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, देन प्रोजेक्ट मैकेनिकल और सिविल, इसमें दोनों अप्लाई कर सकता है। सीनियर मैनेजर आपको 2 पोस्ट है टोटल। देन ये सब डिटेल में देखते हैं अभी क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर सिविल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए आपको बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम 1 ईयर रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज। आपको 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मिनिमम 4 इयर्स रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज। देन आपका डेप्यूटी मैनेजर कंस्ट्रक्शन सिविल, अपर एज लिमिट 32 इयर्स एंड मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट प्रोजेक्ट साइट, मीन्स आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट में काम करना चाहिए एंड एडिशनल एक्सपीरियंस इन एलएनजी पोर्ट ऑफशोर जेटी प्रोजेक्ट साइट शैल बी एन एडेड एडवांटेज। देन मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस मैनेजर के लिए, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 4 इयर्स एंड मैनेजर के लिए 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट प्रोजेक्ट साइट, एंड आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा सपोज आप एलएनजी पोर्ट और ऑफशोर और जेटी में कोई काम किया है तो। देन फिर वैकेंसी है, देखिए, सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स मैकेनिकल और सिविल, इसमें आपको सिविल और मैकेनिकल में बीई बीटेक होना चाहिए एंड मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर के लिए 12 ईयर्स, मैनेजर के लिए 8 ईयर्स एंड डेप्यूटी मैनेजर के लिए 4 ईयर्स, मिनिमम 12 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑफशोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके। एंड एमई एमटेक आपका पास है तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। देन ये सब बहुत सारा पोस्ट है, मैनेजर लाइब्रेरी, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस, ऑफिसर फाइनेंस, सीनियर मैनेजर, सब बहुत सारा पोस्ट है। तो सिविल इंजीनियर के लिए इतना ही पोस्ट है। आपको सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए, इसमें आपको जो पॉइंट मिलेगा 65% मार्क्स होगा तो ये सब पॉइंट आपको मिलेगा, ओके। देन आपका डेजिग्नेशन, सैलरी आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 22.31 लैक्स पर है ना, सीनियर मैनेजर के लिए इतना एंड डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 38.28 लैक्स पर है ना। देन आपको क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, देन मोड ऑफ सिलेक्शन, द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल द पोजिशन विल बी थ्रू इंटरव्यू एट दिल्ली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेन्यू और मोड ऑफ इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, आपको वेबसाइट में जाके ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड परमिटेड एंड इतना लास्ट डेट वो भी हम लोग देखते हैं। देन ओनली दोस्ट टू मीट द एलिजिबिलिटी, आपको एक्सपीरियंस का हिसाब से पूरा मैच हो रहा है एंड जिस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है उसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, एंड उसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई कीजिए। ईआईएल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एंड तो आप लोग जरूर अप्लाई। लास्ट डेट है 4/9/2024, तो अभी टाइम है, इसका स्टार्ट हुआ 21/8/2024 से स्टार्ट हुआ, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इसका लास्ट डेट है 4/9/2024, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो जरूर अप्लाई कीजिए। द कट ऑफ डेट फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड अपर एज इज 31/07/2024, ओके। सो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे।